ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 21वीं सदी में आज एक मेजर समस्या और प्रॉब्लम हमारे सामने उभर कर आई है, वो है रिएक्शन, यानी अपनी प्रतिक्रिया देना। दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे व्यक्तियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर हम लोग विद इन माइक्रो सेकेंड अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। कभी कभी तो हालत ऐसी होती है कि लोग अपनी बात को भी खत्म नहीं करते, उससे पहले ही हमारी प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है। और मैं समझता हूं सबके साथ ये जरूर होता होगा। दोस्तों ये रिएक्टिव पावर, बार बार हर चीज पे अपनी प्रतिक्रिया देना, ये कितनी हानिकारक हमारे लिए हो सकती है, हमारे संबंधों के लिए, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज तीन बातों की हम चर्चा करेंगे कि रिएक्शन होता क्या है और ऐसा हमारा ब्रेन क्यों मैनिफेस्ट करता है, और तीसरी बात, यदि हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक मूल मंत्र क्या है। दोस्तों तो बने रहिए और ध्यान से सुनिए। दोस्तों एक बारी की बात है कि एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक पिता बहुत एंग्जाइटी में बैठा हुआ था और डॉक्टर की इंतजार कर रहा था। उसका बेटा अंदर ऑपरेशन टेबल पे था, उसकी सर्जरी होनी थी, वो किसी बीमारी से ग्रसित था। दोस्तों डॉक्टर ने तेजी से हॉस्पिटल में एंटर किया और ऑपरेशन थिएटर में जाने लगा तो उसका पिता उछल कर आया और डॉक्टर को बोला, आपको समझ नहीं है, मेरा बेटा कितनी देर से ऑपरेशन थिएटर में वेट कर रहा है, आपने इतना समय निकाल दिया, हो सकता है वो मर जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आपको टाइम से आना चाहिए था, वो क्या क्या उसे बोलता रहा। उस डॉक्टर ने बड़े शांत स्वभाव से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि आप चिंता नहीं करें, सब कुछ ठीक होगा, मुझे समय दीजिए। केवल कुछ सेकंड ये बोलकर डॉक्टर अंदर गया, कपड़े बदल कर उस लड़के की ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बाहर आया और उस पिता के पास जाकर कंधे पर हाथ रख के बोला कि आपका बेटा बिल्कुल सेफ है, ऑपरेशन सफल रहा, और कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप नर्स से बात कर लीजिएगा, वो आपको सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगी। और ऐसा कहकर तेजी से कदमों के बढ़ाते हुए डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर निकल गया, गाड़ी में बैठकर चला गया। उसको बहुत गुस्सा आया, वो नर्स के पास गया और उसने बोला कि ये डॉक्टर तो बहुत इगोइस्टिक है, इसको बहुत अभिमान है, इसके पास इतना भी समय नहीं कि ये 5 मिनट रुककर मुझसे बात कर लेता। तो नर्स ने उसको अलग ले जाकर धीरे से उससे समझाया कि देखिए, इस डॉक्टर के अपने पुत्र की मृत्यु कल हुई है एक एक्सीडेंट में, आज उसका अंतिम संस्कार था। जब उन्हें ये पता लगा कि आपके बेटे को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है और कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो बीच में ही आकर आपके बेटे की सर्जरी कर गए हैं और सीधे यहां से अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए गए। दोस्तों जैसे ही उस व्यक्ति ने बात सुनी, उसके आंखों से आंसू आ गए, उस शर्म से उसका सर झुक गया और उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसे पता था कि उसने जो प्रतिक्रिया दी थी वो अनुचित थी। दोस्तों ऐसी ही परिस्थितियां और सिचुएशंस कभी कभी हमारे सामने भी आती हैं। हम कभी कभी अपने बिहेवियर को मैनिफेस्ट करते हैं और मैनिफेस्ट करने के बाद इमीडिएटली हमें अपने ही शब्दों को चबाना पड़ता है, यानी हमारा बिहेवियर रिग्रेट में बदल जाता है। अब इस चीज को एनालाइज करिए दोस्तों। जहां उस डॉक्टर ने उस नेगेटिव सिचुएशन में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी तो क्या हुआ, उस डॉक्टर का सम्मान बढ़ा, रेस्पेक्ट बढ़ी, उस डॉक्टर के प्रति उस व्यक्ति के अंदर रेस्पेक्ट और इज्जत तेजी से बढ़ी। दूसरा दोस्तों, उस डॉक्टर ने अपनी रेपुटेशन को भी बढ़ाया, और तीसरी बात, उसने अपने स्वभाव के द्वारा अपनी पर्सनैलिटी की डोमिनेंस को स्वतः ही मैनिफेस्ट किया। और यही जहां उस व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी जो कि अनुचित थी, उसने अपनी रेस्पेक्ट को भी कम किया, अपनी रेपुटेशन को भी कम किया, और नेचुरली जब रेस्पेक्ट और रेपुटेशन कम होती है तो हमारी डोमिनेंस भी, हमारी एग्जिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। दोस्तों कभी कभी जब हम ऐसी अनुचित प्रतिक्रिया देते हैं तो कभी हमें अपने ही स्वभाव को अपने मुख के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा एब्जॉर्ब करना पड़ता है, वो हमारी फीलिंग रिग्रेट की आती है, हमारे जीवन के अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है, हीन भावना आती है, और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसी ऑड सिचुएशन से हम कैसे निकले। इसलिए दोस्तों रिएक्शन को बहुत सोच समझ कर ही यूज करना चाहिए। दोस्तों इनफैक्ट ये रिएक्टिव बिहेवियर हमारे जीवन के संबंधों में, हमारे परिवार में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे सोशल सर्कल में संबंधों को खराब करने के लिए, उनके अंदर मन मुटाव लाने के लिए, आपस में अनबन लाने के लिए, यहाँ तक कि कभी कभी परिवारों को तोड़ने के लिए भी दोस्तों एक मेजर कारण बन जाता है। ट्रैफिक को ही देख लीजिए, उसी ट्रैफिक में जहाँ कुछ लोग शांत रहते हैं, उसी ट्रैफिक में कुछ लोग कभी इरिटेट या कभी कभी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि वो उस सिचुएशन में राइट डिसीजन को नहीं ले पाते हैं। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? इसका मेजर कारण होता है हमारे मन की प्रोग्रामिंग, यानी हमारे मन की वायरिंग। आज हमारी मान्यता, हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमारे बिहेवियर को गवर्न करता है। अब ऐसी सिचुएशन में हमने सोच लिया कि यदि लोग मेरे अनुसार नहीं, परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं है, सब कुछ मेरे अनुसार नहीं है, तो मुझे उस सिचुएशन में रिएक्ट करना है। ये सब कॉन्शियस माइंड, अर्थ चेतन मन में बार बार इस चीज को यूज करने के कारण मेरा मन प्रोग्राम हुआ पड़ा है। और क्योंकि मेरा मन प्रोग्राम हुआ है, इसलिए मेरा बिहेवियर काफी सिचुएशंस के अंदर नेगेटिव भी होगा, काफी सिचुएशंस के अंदर रिएक्टिव भी होगा। दोस्तों, अगर आज हमको अपने बिहेवियर को पावरफुल और पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर केवल हमारी सोच का ही मैनिफेस्टेशन है। बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियां मेरे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, यानी मैं अपनी ही लाइफ की खुशी, अपनी ही लाइफ की गाड़ी की चाबी उन लोगों को हैंड ओवर कर रहा हूं। और दोस्तों, किसी भी एंगल से ये समझदारी नहीं होती। जब भी हम किसी व्यक्ति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब हम हार जाते हैं और अपना कंट्रोल दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि मैं अपने ऊपर संयम और कंट्रोल नहीं रख सकता हूं। इसलिए दोस्तों, यदि इस पर विजय पानी है, यदि हमको अपने बिहेवियर को चेंज करना है, रिएक्शन को कंप्लीटली चेंज करना है, इसका मंत्र क्या है? इसका केवल एक मंत्र है, रिएक्टिव बिहेवियर को रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में चेंज करना। रिएक्टिव इंस्टेंटेनियस होता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिव एक सोच और समझकर किया गया प्रतिक्रिया, उसको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत कोई गलत करके एब्जॉर्ब करते जाएं, नहीं दोस्तों, लेकिन सही समय पर, उचित समय पर, सही तरीके से, सही वाइब्रेशंस के साथ अपनी प्रतिक्रिया को देना, और ऐसी प्रतिक्रिया देना कि जिसका मेरी मनोस्थिति पर कोई इफेक्ट ना हो दोस्तों, ये है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। इसके लिए केवल एक चीज का आपको ध्यान रखना है, और वो एक चीज है, अपने मन के संकल्पों में अपनी प्रतिक्रिया से पहले पॉज लाना, यानी गैप को लाना। दोस्तों, जब हम सोच और समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कोई भी एक ऐसी प्रहार यानी नेगेटिव सिचुएशन आती है, उसमें हम एक पॉज लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि उस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में किस प्रकार का सोच के साथ ये बिहेवियर मैनिफेस्ट किया, तो हम कभी भी रिएक्टिव बिहेवियर को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में मैनिफेस्ट कर जाएगा। और यही हमारी शक्ति है, यही हमारी श्रेष्ठता है दोस्तों। यदि आज हम संबंधों को पावरफुल बनाना चाहते हैं, खुशी लाना चाहते हैं, जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, यदि दोस्तों हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह सफल होना चाहते हैं, यदि हम अपने सोशल सर्कल में भी हर एक के लिए प्रिय बनना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति हमको एडमायर करे, रेस्पेक्ट दिल से करे दोस्तों, उसके लिए अपने मन के संकल्पों में संयम रखना, सोच में संयम रखना, ये बहुत आवश्यक है। पावर नॉट टू रिएक्ट इज अ वेरी पावरफुल पावर दोस्तों। यदि आज 21वीं सदी में हम इसको मास्टर कर लेते हैं, क्रोध से मुक्त हम हो जाएंगे दोस्तों, हमारी जिंदगी खुशी और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी, संबंधों में मिठास होगी और सफलता हमारे पीछे परछाई की तरह आएगी। तो दोस्तों, दो दिन के लिए इसको प्रैक्टिस करना है, दो दिन के लिए लोग मेरे अनुसार नहीं, परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं, लेकिन मेरा मन मेरे अनुसार होगा, मैं उसमें रिएक्ट नहीं करूंगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। यदि ऐसी कुछ बातें आपके मन में हो, आप सुनना चाहते हो, कोई प्रश्न आपके मन में हो, तो लिख भेजिए हमको bkdrmohitgupta@gmail.com पर। हम आप ही के प्रश्नों का उत्तर आपके सामने लेकर इन वीडियोस के द्वारा उपस्थित होंगे। शुक्रिया। ओम शांति।